अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये कर्टन टाई बैग बनाना सिखाऊंगी जिसको आप बुक मार्कर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं स्मॉल साइज़ में बना के बहुत ही सिंपल और इजी पैटर्न है इसका अगर आप लोगों को बनाना सीखना हो तो वीडियो को देखते रहें सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मैं इस कर्टन टाई बैग को बनाने के लिए थ्री पॉइंट फाइव मिली mm मीटर क्रोशे हक यूज़ कर रही हूँ सो हम यान को अपनी फिंगर्स के ऊपर रैप करेंगे और क्रोशे हुक की मदद से स्लिप नॉट बनाएंगे स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन स्टार्ट करनी है वन टू थ्री एंड फोर फोर बेस चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे सर्कल बनाने के लिए और इस सर्कल के अंदर अपने फर्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे चेन टू बनाते हुए चेन टू हमारी स्टिच काउंट नहीं होगी या उनको क्रोशे हुक के ऊपर रैप करेंगे सर्कल के अंदर आएंगे यान को पुल ओवर करेंगे फर्स्ट टू लूप्स के अंदर से ईन को पुल ओवर कर लेंगे और अगेन सेकंड टू लूप्स के अंदर से यान को पुल ओवर कर, कर लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है हमने टोटल सिक्सटीन डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है सो इसी तरीके से यान को रैप करते हुए पुल ओवर करेंगे और फर्स्ट टू लूप्स के अंदर से पुल ओवर कर लेंगे और सेकेंड टू लूप्स के अंदर से पुल ओवर कर लेंगे तो ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशिया स्टिच है डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया फोर डबल क्रोशे फाइव डबल क्रोशे सिक्स डबल क्रोशे सेवन डबल क्रोशे एट डबल क्रोशे नाइन डबल क्रोशे टेन डबल क्रोशे इलेवन पुल करेंगे स्टिचेस को और सर्कल के ऊपर स्पेस बनाएंगे डबल क्रूशे ट्वेल्व डबल क्रोशे थर्टीन डबल क्रोशे फोर्टीन डबल क्रोशे फिफ्टीन एंड डबल क्रूशे सिक्सटीन सिक्सटीन डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद हमने फर्स्ट स्टिच uh, के अंदर स्लिप स्टिच बनानी है और अगेन चेन टू से अपने सेकेंड रो को स्टार्ट कर लेना है चेन टू हमारी स्टिच काउंट नहीं होगी इसके बाद हम वेरी फर्स्ट स्टिच में आएंगे और टू डबल क्रोशिया स्टिच इंक्रीज बनाएंगे डबल क्रोशिया वन एंड डबल क्रोशिया टू इन द सेम स्टिच अगेन सेकेंड स्टिच में इसी तरीके से टू डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच हमने इसी तरीके से हर स्टिच के अंदर टू टू डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है। डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच तो हमारे सिक्स डबल क्रोशे हो गए हैं थ्री स्टिचेस में इसी तरीके से फोर्थ स्टिच में हम टू डबल क्रूशे स्टिच इंक्रीज बनाएंगे तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है इसी तरीके से हमने कंटिन्यू रखना है और हर स्टिच के अंदर टो डबल तो टोटल के के डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी हैं तो हमारे टोटल सिक्सटी के मल्टीपल के हिसाब से थर्टी टू डबल क्रोशी स्टिचेज़ बनेंगे तो इसी तरीके से बनाते हुए अपने थर्टी टू स्टिचेज़ कम्प्लीट करें सो फ्रेंड्स ये मैंने अपने थर्टी टू डबल क्रोशी स्टिचेज़ कम्प्लीट कर लिए हैं इसके बाद हम यहाँ को यहाँ लास्ट स्टिच से पुलओवर कर लेंगे और पुलओवर करने के बाद कट कर देंगे कट करने के बाद हमने या नेडल की मदद से अपने वर्क को सिक्योर करना है वेरी फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है इसकी बैक साइड से हम इस तरीके से लेके आएंगे यान को और लास्ट स्टिच की बैक लूप के अंदर से ओनली गुजारना है फ्रंट लूप के अंदर से नहीं गुजारना बैक लूप से गुजारेंगे तो इस तरीके से फाइन चेन एंडिंग बनेगी उसके बाद हम यहाँ पे बैक साइड पे नॉट बनाएंगे ताकि हमारी स्टिचेस जो हैं वो लूज़ ना हों हमारा वर्क सिक्योर रहे और उसके बाद बैक साइड के कुछ स्टिचेस के अंदर से हम लोगों ने गुजार लेने हैं अपने एक्स्ट्रा यान को और कट कर लेना है तो ये हमारा सर्कल रेडी है स्टार्टिंग यहाँ टेल को भी कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ग्रैनी स्केयर बनाने सिखाऊंगी जो कि अपोजिट साइड पे लगेगा जिसके लिए मैं टू स्टैंड ऑफ यान यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये यान थिन है ब्लू कलर के यान से सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिंगर्स के ऊपर यान को रैप करते हुए स्लिपन बनाएंगे स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन बनानी है वन टू थ्री एंड फोर फोर बेस चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और चेन थ्री बनाएंगे चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होगा रैप करेंगे यहाँ को क्रोशिया हुक के ऊपर सेम सर्कल के अंदर आएंगे और टू टू लूप्स के अंदर से पुल ओवर करते हुए सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे चेन थ्री के बाद और इसी तरीके से थर्ड डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे चेन थ्री को इंक्लूड करते हुए थ्री डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गए हैं इसके बाद हमने कॉर्नर बनाना है स्केयर का जिसके लिए मैं चेन टू बनाऊंगी चेन टू बनाने के बाद अगेन हमने थ्री डबल क्रोशिया स्टिचेज बनानी है डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रूशिये थ्री चेन टू डबल क्रूशे वन डबल क्रूशे टू सॉरी डबल क्रूशे टू एंड डबल क्रूशिये थ्री थ्री डबल क्रूशे स्टिचेस बनाने के बाद हमने अगेन चेन टू बनानी है थर्ड कॉर्नर के लिए और थ्री डबल क्रूशे स्टिचेस बनानी है डबल क्रोशे वन डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री इसके बाद हम लास्ट कॉर्नर के लिए चेन टू बनाएंगे और चेन थ्री के टॉप पे स्लिप स्टिच बना लेंगे अपनी सेकंड रो को स्टार्ट करने के लिए हमने नेक्स्ट फर्स्ट कॉर्नर की चेन टू स्पेस में आना है जिसके लिए मैं नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच में स्लिप स्टिच बनाऊंगी उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच में स्लिप स्टिच बनाऊंगी और उससे नेक्स्ट चेन टू स्पेस में स्लिप स्टिच बनाऊंगी और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए चेन टू स्पेस में आ जाऊंगी और यहाँ से अपने सेकेंड रो को स्टार्ट करूँगी चेन थ्री एंड डबल क्रोशे टू चेन थ्री के बाद हमारा डबल क्रोशे सेकेंड डबल क्रोशे काउंट होगा एंड डबल क्रोशे थ्री इसके बाद हमने कॉर्नर के लिए अगेन चेन टू बनानी है और सेम चेन टू स्पेस में थ्री डबल क्रूशे स्टिचेस मजीद बनानी है डबल क्रोशे वन डबल क्रूशे टू एंड डबल क्रूशे थ्री उस कॉर्नर को बनाने के बाद हम अगेन यहाँ पे चेन वन बनाएंगे और सेकंड चेन टू स्पेस में आ जाएंगे। और थ्री डबल क्रूश स्टिचेस बनाएंगे डबल क्रूशे टू एंड डबल क्रूशे थ्री इसके बाद चेन टू बनाएंगे कॉर्नर के लिए और अगेन थ्री डबल क्रूश स्टिचेस बनाएंगे डबल क्रूशे वन डबल क्रूशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री इन द सेम स्पेस अगेन चेन वन बनाएंगे नेक्स्ट कॉर्नर में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे डबल क्रुशे वन टू एंड थ्री थ्री चेन टू वन एंड टू और अगेन सेमी स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया बना लेने हैं डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया टू एंड डबल क्रोशिया थ्री चेन वन उसके बाद लास्ट कॉर्नर में भी इसी तरीके से बनाना है डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशे थ्री चेन टू एंड डबल क्रोशे वन डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाने के बाद लास्ट चेन वन बनाएंगे और चेन वन बनाने के बाद चेन थ्री के टॉप पर स्लिप स्टिच बनाते हुए अपने एक्स्ट्रा यान को पुल ओवर कर लेंगे हम और पुल ओवर करने के बाद कट कर लेंगे और बैक साइड के इस स्टार्टिंग यान टेल को कट कर देंगे हमने इस यान टेल को कट नहीं करना है इसको हम स्टिचेस के दरम्यान में देंगे तो यहाँ पे हमने वाइट कलर का भी यान जो है वो टू स्टैंड में ही लेना है और इस तरीके से एक कॉर्ड बनानी है तो मैं आपको अब बनाना बताऊँगी किस तरीके से हम कॉर्ड बनाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे किसी भी एक डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर से वाइट कलर की यान को पुल ओवर करते हुए चेन वन बनाएंगे और उसके बाद सेम स्टिच के अंदर हमने यान को पुल ओवर करना है और टू लूप्स के अंदर से इकट्ठा पुल ओवर करते हुए सिंगल क्रोशिया स्टिच बनानी है सेकंड स्टिच में आ जाना है और सिंगल क्रोशिया टू बनानी है आप लोग देख सकते हैं मैं स्टार्टिंग यन टेल को स्टिचेस के दरम्यान में होल करते हुए सिंगल क्रूशे बना रही हूँ ताकि हमें इस स्टार्टिंग या टेल को अलग से निट ना करना पड़े तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा तो हम हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और अपने सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं सिंपली एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बना रही हूँ आप लोग भी इसी तरीके से सिंपली एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे अपने इस सर्कल के अराउंड तो इसी तरीके से आप लोग बनाते हुए अपनी सिंगल क्रोशिया की लाइन को कंप्लीट कर लें हमारी टोटल थर्टी सिक्स सॉरी थर्टी टू सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगी क्योंकि हमारे सेकंड राउंड में थर्टी टू डबल क्रोशिया स्टिचेस थी तो ये हमारी लास्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच है लास्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाना है और स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम चेन बनाएंगे वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोटीन फिफ्टीन चेन को अगर आप नहीं काउंट करना चाहते हैं तो ना काउंट करें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग चेन को काउंट करते हुए बनाएं जितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कोई भी इवन और ऑड नंबर ऑफ चेन्स बना सकते हैं सो so फ्रेंड्स मैंने कुछ इतनी लंबी चेन बनाई है इसके बाद मैं ये स्केयर अटैच करूँगी स्केयर को अटैच करने के लिए हमने किसी भी एक कॉर्नर के अंदर से यान को पोलवर करते हुए सिंगल क्रोशिया स्टिच बनानी है उसके बाद नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया स्टिच में सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाना है उससे नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया में थर्ड सिंगल क्रोशिया बनाना है उससे नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया में फोर्थ सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद चेन वन स्पेस में फिफ्थ सिंगल क्रोशिया बनाना है उसके बाद हम इस यान टेल को स्टिचेस के दरम्यान में होल्ड रखते हुए सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे यहाँ पे चेन थ्री में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है इसके बाद नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है उससे नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद चेन टू स्पेस में हमने थ्री सिंगल क्रोशिया स्टिचे बनानी है सिंगल क्रोशिया टू एंड सिंगल क्रोशिया थ्री तो ये मैंने थ्री सिंगल क्रोशिया स्टिचेज बना लिए हैं इससे हमारा कॉर्नर जो है वो फाइन बनेगा इसके बाद नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है उससे नेक्स्ट आने वाले डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद लास्ट डबल क्रोशिया स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है और चेन टू स्पेस में आके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट थ्री डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर भी इसी तरीके से थ्री सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इसके बाद यहाँ पे अगेन चेन टू स्पेस आ गई है इस यहां टेल को साइड पे करते हुए हमने चेन टू स्पेस में थ्री सिंगल क्रोशे बनाने हैं सिंगल क्रोशे वन सिंगल क्रोशे टू एंड सिंगल क्रोशे थ्री सेंडिंग यहां टेल को अब हम कट कर देंगे और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं सिंगल क्रोशे स्टिचेस वैसे ही बना लेंगे सिंगल क्रोशे स्टिचेस और अपने पैच को कंप्लीट कर लेंगे ये मैंने अपोजिट साइड पे भी सिंगल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं इसके बाद इस चेन टू स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पे हम थ्री सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे टू बनाएंगे उसके बाद हम फर्स्ट चेन के अंदर आ जाएंगे यान को पुल ओवर करते हुए स्लिप स्टिच बना लेंगे इसके बाद सेकंड चेन के अंदर से हमने इसी तरीके से यान को पुल ओवर करना है और सेकंड स्लिप स्टिच बनानी है थर्ड चेन के अंदर से यान को पुल ओवर करना है और थर्ड स्लिप स्टिच बना लेनी है फोर्थ चेन के अंदर से यान को बुल ओवर करना है और फोर्थ स्लिप स्टिच बनानी है फिफ्थ चेन के अंदर से यान को बुल ओवर करना है और फिफ्थ स्लिप स्टिच बनानी है क्योंकि मैं डबल स्टैंड यूज़ कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं स्लिप स्टिच बनाने के बाद खासी थिक और फाइन कॉर्ड बन रही है हमारी तो हमने सिंपली इसी तरीके से स्लिप स्टिच बनाते जाना है हर चेन के अंदर और अपनी इस कॉर्ड को कंप्लीट कर लेना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी फाइन और थिक बन रही है हमारी कॉर्ड तो इसी तरीके से कंप्लीट कर लें सो फ्रेंड्स जी मैंने अपनी स्लिप स्टिच की रॉक को कंप्लीट कर लिया है इसके बाद मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा यान को पुल ओवर करूँगी और पुल ओवर करने के बाद कट कर दूँगी कट करने के बाद हमने इसको निडल की मदद से बैक साइड की कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारना है सो फ्रेंड्स जी मेरा कर्टन टाई बैक रेडी हो गया है अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करें आप लोग इसको एज अ बुक मार्कर भी ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो बहुत ही सिंपल और ईज़ी ट्यूटोरियल था ये अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अल्लाह